दोस्तों आपने YouTube चैनल बनाया तो आपको प्लेलिस्ट का भी पता होगा। दोस्तों प्रोफेशनल प्लेलिस्ट बनाने से आपकी जिन पुरानी वीडियोस पर व्यूज नहीं आ रहे उन पर व्यूज भी आना स्टार्ट हो जाएंगे और व्यूज के साथ साथ आपको सब्सक्राइबर भी मिलेंगे जिससे आपका चैनल बहुत जल्द ग्रो कर जाएगा। तो एक प्रोफेशनल प्लेलिस्ट आपने कैसे क्रिएट करनी है विद SEO जिससे आपकी पुरानी वीडियोस पर व्यूज भी आना स्टार्ट हो जाएंगे और व्यूज के साथ साथ आपको सब्सक्राइबर भी मिलेंगे। तो इस वीडियो को आपने एंड तक वॉच करना है, स्किप नहीं करना। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऑल पे क्लिक कर लें क्योंकि इस तरह के कंटेंट मैं आपके लिए बनाता रहता हूं। तो दोस्तों इस वीडियो में हम सीखेंगे कि आपने एक प्रोफेशनल प्लेलिस्ट कैसे क्रिएट करनी है, इसकी SEO कैसे करनी है और इसमें वीडियो आपने कैसे ऐड करनी है। आपने अपने मोबाइल से यूट्यूब ऐप को ओपन कर लेना है। आपका चैनल लॉगिन है तो ठीक है, नहीं तो आपने लॉगिन कर लेना है। यूट्यूब हमारा ओपन हो चुका है, यहां पर हम लोगो पे क्लिक करेंगे और योर चैनल पर हमने क्लिक कर देना है। तो हमारा यूट्यूब चैनल ओपन हो चुका है, यहां पर हम सिंपल प्लेलिस्ट क्रिएट करेंगे। यहां पर कॉर्नर पर लाइब्रेरी का ऑप्शन है, यहां पर आपने क्लिक कर लेना है। इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। प्लेलिस्ट को हम लेफ्ट साइड पे घुमाएंगे तो यहां पर न्यू प्लेलिस्ट का ऑप्शन आएगा, नीचे आएगा या यहां पर आएगा। न्यू प्लेलिस्ट पर दोस्तों आपने क्लिक कर देना है, सिंपल क्लिक करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो यहां पर प्लेलिस्ट का आपने टाइटल देना है, जो भी प्लेलिस्ट आप बनाना चाहते हैं। दोस्तों जिस टॉपिक की आपकी वीडियोज है उसी टॉपिक के हवाले से आपने यहां पर टाइटल लिखना है, अपनी प्लेलिस्ट का नेम क्रिएट करना है। तो यहां पर टाइटल हम यूट्यूब टिप्स का दे देंगे तो नीचे प्राइवेट लिखा हुआ है, यहां पर आप क्लिक करके इसे पब्लिक कर देंगे और सिंपल आपने क्रिएट पर क्लिक कर देना है। ये हमारी सिंपल प्लेलिस्ट रेडी हो चुकी है। तो जैसे दोस्तों आप अपनी वीडियो की SEO करते हैं उसी तरीके से आप सेम उसी तरीके से अपनी प्लेलिस्ट की भी SEO करेंगे, तभी तो ये सर्च में जाएगी। तो यहां पर हम प्लेलिस्ट पर क्लिक करेंगे तो ये हमारी प्लेलिस्ट ओपन हो चुकी है पर खाली है। तो उसके बाद हमने यहां पर क्लिक कर देना है। जैसे यहां पर क्लिक करेंगे यहां पर हम डिस्क्रिप्शन ऐड करेंगे, यही यहां पर SEO होती है। आपकी वीडियोस ब्लॉग के हवाले से है तो आपने यहां पर ब्लॉग्स के हवाले से कीवर्ड्स डालने हैं। अगर आपकी वीडियो गेम्स के हवाले से तो वो आपने गेम्स के कीवर्ड्स डालने हैं। तो हमारी वीडियो यूट्यूब टिप्स के हवाले से है तो यहां पर हम लिखेंगे SEO कैसे करें, SEO कैसे करें इन हिंदी, यहां पर कॉमा लगा देंगे। उसके बाद व्यूज कैसे बढ़ाएं और व्यूज नहीं आ रहा तो क्या करें। दोस्तों ये वो कीवर्ड्स हैं जो ऑडियंस सर्च कर रही है, जिससे आपकी प्लेलिस्ट सर्च में जाएगी और आपको व्यूज आना स्टार्ट हो जाएंगे। ये कीवर्ड्स हमने ऐड कर दिए, उसके बाद हमने यहाँ पर क्लिक कर देना है तो ये हमारी डिस्क्रिप्शन मुकम्मल हो चुकी है। तो ये हमने प्रोफेशनल प्लेलिस्ट मुकम्मल कर लिया। तो अब आप वीडियो ऐड करना चाहते हैं तो वो कैसे आपने करनी है, आपने वापस आ जाना है। जो वीडियो आप ऐड करना चाहते हैं जैसे ये हमारी SEO वाली है तो यहाँ पर थ्री डॉट्स पर क्लिक करेंगे। दोस्तों तीसरा ऑप्शन है सेव टू प्लेलिस्ट, यहाँ पर आपने क्लिक कर देना है। इस तरह का इंटरफेस आएगा। ये हमारी वीडियो पहले YouTube टिप्स एंड ट्रिक्स में ऐड है, YouTube टिप्स वाली हमने नई प्लेलिस्ट क्रिएट की है। इस पर क्लिक करेंगे और डन पर क्लिक करेंगे तो ये ऐड हो जाएगी। दोस्तों आपने कई प्लेलिस्ट क्रिएट कर ली है, किसी भी प्लेलिस्ट को आप डिलीट करना चाहते हैं तो वो आपने कैसे करना है, तो सिंपल आपने उसी तरीके से लाइब्रेरी में आ जाना है। मान लीजिए इस प्लेलिस्ट को हम डिलीट करना चाहते हैं, थ्री डॉट्स पर क्लिक करेंगे और डिलीट पर क्लिक करेंगे, फिर डिलीट पर क्लिक करेंगे तो ये हमारी प्लेलिस्ट डिलीट हो चुकी है। दोस्तों बहुत ईजी है। दोस्तों इस तरीके से आप एक प्रोफेशनल प्लेलिस्ट क्रिएट कर सकते हैं विद SEO। तो दोस्तों कोशिश किया करें आप जिस टॉपिक पर वीडियोस बना रहे हैं तो तमाम वीडियोस एपिसोड वाइज हो, प्रॉपर SEO की वजह से आपकी वीडियो सर्च में जाएगी और जो भी आपकी वीडियो को सर्च करके आपकी प्लेलिस्ट को ओपन करेगा आपकी तमाम वीडियोस एपिसोड वाइज होंगी। तो एक दो वीडियोस को देखने के बाद आपके चैनल को सब्सक्राइब कर देगा और बाद में भी आपकी वीडियोस को देखता रहेगा, सर्च करता रहेगा, YouTube आपकी वीडियोस को रेकमेंड करेगा जिससे आपके व्यूज के साथ साथ आपके सब्सक्राइबर भी बढ़ना शुरू हो जाएंगे। तो उम्मीद है दोस्तों यहाँ तक आपको समझ आ चुकी होगी। फिर भी मेरी हेल्प की ज़रूरत हो तो भाई याद रहे कॉमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आपको थोड़ा सा भी कुछ सीखने को मिला है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें क्योंकि इस तरह के कॉन्टेंट मैं आपके लिए बनाता रहता हूँ। नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। टेक केयर।